नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। आज मैं आप लोगों के साथ पत्ता गोभी की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि सब्ज़ी को मैंने किस तरीके से तैयार किया है, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पत्ता गोभी और गाजर के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को कट करके ले लिया है। अब गाजर को घिस करके हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे एक गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और छोटे साइज़ के पत्ता गोभी था तो उसमें से आधा पत्ता गोभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। हल्का हल्का बेसन डालेंगे और बेसन डाल करके हम मिक्स करके देख लेंगे पहले कि हमें कितनी ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे बेसन की ज़रूरत है। कम से कम बेसन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो पकौड़े हैं काफ़ी क्रंची बन करके तैयार होंगे। अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो पकौड़े थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो अगर सेब में कोई भी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेब टेढ़े मेरे भी चलेंगे। बट क्या होता है ना कि पकौड़े क्रंची हो वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्रंची पकौड़े जो होते हैं खाने में टेस्टी लगते हैं। तो हम उतनी ही बेसन की क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 7 से 8 चम्मच बेसन डाला है, और अब यहाँ पर हमारा जो इस मसाला है वो बाइंड हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके जो पकौड़े हैं वो इस तरह से कर करके और फ्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच होममेड गरम मसाला का पाउडर। इस मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हम प्याज ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और थोड़े से अजवाइन के दाने। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने नमक इसलिए डाला क्योंकि नमक डालने के बाद मॉइस्चर जो है यहाँ पे पानी जो है वो निकल जाता है, और अगर नमक डाल करके हम इसको अच्छे से मिलाते बेसन के साथ तो हमें यहाँ पे बेसन ज़्यादा डालना पड़ता और हमारे जो पकौड़े हैं वो क्रंची नहीं बन करके तैयार होते। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लास्ट में नमक डाला है, प्याज डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो चलिए अब मिक्स यहाँ पे तैयार है, पकौड़े फ्राई करना हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें पकौड़े डाल देते हैं। और इनको अब हम फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो पकौड़े हैं एक साइड से लगभग फ्राई हो चुके हैं। इन सबों को हम पलट लेंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको सभी पकौड़ों को फ्राई करना है, तभी ये क्रंची होते हैं और अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरे साइड से भी मैं इनको फ्राई होने दे रही हूँ, और दूसरे साइड से फ्राई होने के बाद सभी को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन सबों को हम निकाल लेंगे। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, तो एक प्याज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एक टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, और छोटा टुकड़ा अदरक का। सभी का पेस्ट बना करके हमें यहाँ पर रेडी कर लेना है। पेस्ट यहाँ पे हमारा तैयार है, तो सब्ज़ी बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने कम कर दी है। अब इसमें साबुत जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे। एक प्याज को यहाँ पे हम कट करके डाल देंगे और इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज को यहाँ पे मैंने भून लिया है। अब जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया है उसको इसमें डाल देंगे। बाकी के मसाले भी इसमें डाल देंगे। हल्दी का पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा सा तीखा पसंद करती हूँ तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ज़्यादा डाली है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी कम डालिएगा। होममेड गरम मसाला का पाउडर 1 चम्मच। मैं अपनी सारी सब्जी की जो रेसिपी है सभी में ये मसाले ज़रूर डालती हूँ, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है और मैं इसे घर पे ही तैयार करती हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी दोबारा से। मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं।
तो यहाँ पे जो मसाले हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। गैस के फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर ले रही हूँ। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा सा मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गाढ़ी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना वो मैं तैयार करूँगी। तो इसमें हम उबाल आने देंगे और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी पतली ग्रेवी है, लेकिन जब हम इसमें पकौड़े डालेंगे ना तो जो ग्रेवी है वो सारे सोख लेगी पकौड़े, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाली है। बट जब हमारी सब्ज़ी तैयार होगी तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर तैयार होगी। अब हम डाल रहे हैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, कसूरी मेथी की पत्तियाँ और एक मिनट यहाँ पे हम ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी में यहाँ पे उबाल आ चुका है और हमारे सारे पकौड़े भी रेडी है, तो एक एक करके सभी को हम इसमें डाल देते हैं। यकीन कीजिए दोस्तों, अगर इस तरह से आप पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना करके खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और आपके जो बच्चे हैं फटाफट ही सारी सब्ज़ी को फिनिश कर देंगे। बच्चे जो होते हैं हरी सब्ज़ियाँ नहीं खाना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह से पत्ता गोभी के पकौड़े बना करके और सब्ज़ी बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और फटाफट इसको फिनिश भी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मिनट हम उबाल आने देंगे। एक मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से हो चुकी है तैयार। इसमें हम डाल रहे हैं सब्ज़ी का मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से नई नई जो रेसिपी है वो आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी।